हेलो गाइस प्रताप वर्मा हेयर फिजिक्स एजुकेटर बच्चों जेई एडवास बिल्कुल पास में आ गया है आज सेवेंटींथ अगस्त है ठीक है ट्वेंटी एट्थ अगस्त को आपके एग्जाम है तो बिल्कुल पास में ही है दस दिन रफली बचे हुए हैं ठीक है और मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि यू नो आपको पता होना चाहिए और अगर आपको पता होगा तो होपफुली आप इस टाइप की गलती एग्जाम में कभी नहीं करोगे ठीक है तो आप सोच रहे होगे कि क्या एक सिंगल क्वेश्चन सीरियसली मेरे जेई के जेई के रिजल्ट को इतना अफेक्ट कर सकता है कि जिस जिस uh, जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन थी जिसके हिसाब से मेरा रैंक आना चाहिए था जिस आईआईटी में मेरे को जाना था वो पूरा का पूरा मेरा ड्रीम शैटर हो जाए इज इट रियली पॉसिबल एक क्वेश्चन या ऐसे एक दो क्वेश्चन तो मैं इसके बारे में ही इस वीडियो में बच्चों बात करने वाला हूँ मेरे अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस में आई आई टी जेई के लिए जिसके लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ मैंने ऐसे बहुत सारे केपेबल डिजर्विंग बच्चों को देखा है जिन्होंने ये गलती करी ठीक है जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी उसके फार बिलो उनका रैंक आया एंड दे फेल्ट डेवस्टेटेड आफ्टर द एग्जाम ठीक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा ठीक है उसको जरूर एक बार कमेंट्स में मेंशन करिएगा ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और बच्चों इसके अलावा भी और बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे जई एडवांस 2022 के लिए जो रेलिवेंट है दस दिन का टाइम है बहुत सेलेक्टेड वीडियोस आपको देखने हैं तो उसट्रैटेजी को लेकर के क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करनी है क्या नहीं करनी है क्या चीज़ें ध्यान रखनी है लास्ट के इन दिनों में इससे सारी रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऑलरेडी आपने नहीं किया हुआ है बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी बच्चों ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके रखिए बिकॉज इस पर आपको सारा का सारा कम्युनिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलता रहता है आपकी जो अभी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के पहले कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज चाहिए और डूज एंड डोंट्स पता होनी चाहिए नोटिफिकेशन कोई चेंजेस आ रहे हैं वो सब पता होना चाहिए या एग्ज़ाम के बाद में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है सारी चीज़ों के लिए ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ठीक है तो इसके साथ बने रहिए बच्चों इसके अलावा ये जो वेबसाइट है आनंद मनी डॉट कॉम इसको भी आप जरूर विजिट करिएगा एक बार जैसे ही आपको टाइम मिलता है काफी सारा अच्छा रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ठीक है इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं ठीक है थीके? तो मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या रियली एक दो क्वेश्चन या एक सिंगल क्वेश्चन आपका सीरियसली एग्जाम बर्बाद कर सकता है या आपके आईआईटी के ड्रीम को शर कर सकता है इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं सपोज एक कोई लड़का है उसका नाम है आर्यन ऐसे ही मैंने रेंडमली अभी कुछ नाम उठा लिया बात करने के लिए अब आर्यन की प्रोफाइल में आप आर्यन की मैं जो प्रोफाइल है आपको बताता हूँ सपोज ये ऐसा बच्चा है जो काफी डिजर्विंग है काफी मेहनती है जिसने अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है ठीक है ना So, and, uh, -E को खुद से भी और टीचर को भी आर्यन काट है लेट mm से -hmm. उसको ये लगता है कि उसका फिजिक्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और उसको बहुत अच्छी आती है लेट से ठीक है फोरसे को आर्ग्यूमेंट अब उसकी जगह कुछ आप उल्टा भी ले सकते थे मैथ्स मान लिया उसको पसंद है उसको लेट से कैलकुलस बहुत पसंद है कुछ भी हो सकता है डजन मैटर ठीक है इस टाइप का कुछ है और आर्यन की आदत कुछ ऐसी है कि वो जब आ, कुछ क्वेश्चंस करता है अपनी प्रैक्टिस के टाइम एंड ऑल दैट तो वो लड़ता है क्वेश्चंस के साथ में और उसके साथ में उस प्रोसेस में सीखता है ठीक है नाउ इमेजिन ए सिनेरियो कि अब ये बच्चा जो है वो जय एडवांस का पेपर दे रहा है और काफ़ी सारी उम्मीदों के साथ में गया हुआ है और इमेजिन करो कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया आई ने देखो किसी की तैयारी कितनी भी अच्छी बच्चों क्यों ना हो किसी सब्जेक्ट में आपको कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो लेकिन फिर भी आई जब एग्जाम आपके लिए सेट करेगा जो जेई का पेपर आएगा बच्चों वो आपको चैलेंज कर देगा ठीक है ना अगर उन्होंने पेपर ऐसा बना दिया कि चैलेंजिंग आपको लगना है तो लगेगा ठीक है ना तो ये हमेशा दिमाग में रखना आप

तो क्या होगा एग्जाम में पैनिक करेगा ठीक है एग्जाम में जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो पैनिक करेगा उसका पूरा स्टेट ऑफ माइंड जो है जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है वो बिगड़ जाएगा बच्चों ठीक है और ये मैं हाइपोथेटिकल केस लेकर के बोल रहा हूँ मैंने पर्सनली कितने सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके साथ में ऐसा हुआ है ठीक है अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ कि उसने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया मान लिया पहला क्वेश्चन कुछ अटैम्प्ट किया वो क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ दूसरा अटैम्प्ट किया नहीं हुआ अब तीसरे तक जाते-जाते तो ये हो गया कि यार ये तो होना ही चाहिए पिछले में मैंने कुछ भी क्वेश्चन क्वेश्चन करते, -करते वो भी ले रहे। है ना क्वेश्चन कर उसी प्रोसेस में कोई मतलब क्वेश्चन ठीक से बना नहीं है और पांच दस मिनट उसके निकल गया ठीक है अब प्रेशर बिल्ड होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसको ये होगा कि यार ये तो मुझे करना ही करना है बिकॉज पिछले दस मिनट में तो कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो हो सकता है और होता है कई सारे बच्चों के साथ में ऐसा कि वो तीसरे चौथे किसी एक क्वेश्चन पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे वो बच्चा क्या करेगा वो बहुत टाइम उस पर स्पेंड कर देगा बिड़ जाएगा उससे उसको दिल पे ले लेगा ले ईगो पे ले लेगा ले ऐसा होता है और पता चला उसने अगले पंद्रह मिनट उस क्वेश्चन पर और स्पेंड कर दिया और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ है ना दैट कैन बी दैट कैन बी देट कैन हैपन यू नो दैट हैपन्टूडेंट्स यू नो बैड लक है उस दिन आपका या आपका यू नो पेपर को हैंडल करने की जो आपकी स्ट्रैटी है उसको आप सही से फ्रेम करके नहीं गए हो ऐसा हो सकता है तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप कभी फंस गए तो मतलब आपका पूरा का पूरा एग्जाम एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट है आपका जो मैंटल स्टेट है वो पूरा बच्चों डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है आपका पूरा पेपर बेकार हो जाए जो रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको ना मिले

क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें एक फिक्स लिमिट बना लो कि भाई मेरे को पर क्वेश्चन इतना मैक्सिमम टाइम देना और किसी भी हालत में उससे ज्यादा आप टाइम क्वेश्चन क्वेश्चन को मत दो ठीक है प्रीवियस हुआ कि नहीं हुआ ठीक है उसका इफेक्ट नए क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए तो हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन डिफिकल्ट हो इसलिए हमसे नहीं हुआ तो उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए या हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन आसान हो और इसलिए हो गया हो तो उसकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना आए ठीक है ना तो इस तरीके से हमको एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट के साथ में जाना है कभी भी किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक ईगो इशू नहीं बनाना है दिल पे नहीं लेना है है ठीक uh, मतलब चीज आप अच्छे से याद रखोगे और बैलेंस्ड तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को uh, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे टाइम दोगे तो आपका स्कोर कहीं ज्यादा अच्छा होगा ठीक है so, सो इस पर्टिकुलर uh, वीडियो को देखने के बाद में uh, मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट में ये जरूर मेंशन करें कि यू नो जस्ट जस्ट एज़ ए रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ कॉमेंट में लिखिए नो ईगो ताकि आपको याद रहे ये वीडियो देखने के बाद कि यार कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ईगो पे चीज़ों को नहीं लेना है सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट पे या दिल पे चीज़ों को नहीं लेना है इसके अलावा आपका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कुछ और चीज़ आपने अगर सीखी इस वीडियो के साथ में तो वो भी कमेंट में लिखिए ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों और शेयर करिए दूसरे दोस्तों के साथ में ताकि वो भी ऐसी कोई गलती ना करिए करें ठीक है और इस चैनल के साथ में बने रहिए और इसके अलावा एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर आपके लिए और है कि अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि यार इस बार मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी जय की मे बी आई कुड हैव डन मच मैटर ठीक है अगर मैंने अच्छे से तैयारी की हुई होती जे ये डांस आप दो अटैम्प्ट करो बट अगर इस टाइप की चीज़ें दिमाग में कहीं चल रही हैं तो आप हमारे साथ अनकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर भी एकदम यू नो अच्छे से तैयारी करने के लिए प्लान कर सकते हैं और उम्मीद टीम के साथ में डॉक्टर आनंद की टीम के साथ में आप नोएडा सेंटर पे पढ़ सकते हैं हम लोग के साथ में और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पे भी सब्सक्रिप्शन लेना है या जो भी है अन अकेडमी के लिए तो आप आनंद कोड यूज़ करिए ताकि आपको मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट डिस्काउंट एंड एवरीथिंग मिल जाए ठीक है सो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम होप यू डू योर लेवल बेस्ट ओके थैंक यू